संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, जहां पर आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में नागरिकता विधेयक 2019 पर सरकार का जोर रहेगा। केंद्र सरकार इस सत्र में करीब 35 विधेयकों को पारित कराना चाहती है। वहीं मौजूदा समय में संसद में 43 विधेयक लंबित हैं। संसद का ये सत्र 13 दिसंबर को समाप्त होगा। इसमें 20 बैठकें होंगी और सत्र में कई मुद्दों पर हंगामा भी होने के आसार हैं। तो शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र में कोशिश सरकार की तमाम विधेयकों को पास कराने की, लेकिन विपक्ष को यहाँ पर देखना होगा क्योंकि विपक्ष पहले से ही तमाम मुद्दों को लामबंद है, तो ऐसे में मुश्किलें यहाँ पर पैदा कर सकता है। तो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2019, ये अहम बिल जो इस बार शीतकालीन सत्र में पेश होगा। इसके साथ ही ई सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019, इसको लेकर भी कोशिश यहाँ पर सरकार की रहने वाली है। इसके साथ ही पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक 2019 सत्र में ये भी बिल पेश होगा। वहीं रिसाइकलिंग ऑफ रिप्स शिप्स विधेयक 2019, तो ये तमाम वो हम आपको बता रहे हैं विधेयक जो शीतकालीन सत्र में सामने आएंगे। केंद्रीय संस्कृति संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2019, वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2019। इसके साथ ही कुछ और भी बिल हैं जिनमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक, ये भी बेहद अहम है बिल जिसको पास कराने की कोशिश रहेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये भी एक विधेयक जो इस बार के सत्र में पेश किया जाएगा। चिट फंड विधेयक 2019, इसको लेकर भी कोशिश काफी लंबे वक्त से, एक बार फिर से कोशिश आप रहेगी सत्र में पास कराने की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एक ये और विधेयक है, 43 विधेयक हैं जो लंबित पहले से ही हैं। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद बिल 2019, डैम सेफ्टी बिल 2019, ट्रांसजेंडर पर्संस बिल 2019, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उसके तहत यहाँ पर ये आता है और इसी को भी पास कराने की कोशिश रहेगी। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल संशोधन विधेयक, भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए राष्ट्र आयोग विधेयक, तो ये तमाम वो लंबित विधेयक हैं जो सरकार की कोशिश रहेंगी पास कराने की, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथिक विधेयक भी शामिल है।